मेरा नाम मुकेश गुप्ता है, मैं आदर्श नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ और इस समय LNJP हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड नंबर 29 में एडमिट हूँ, क्योंकि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि LNJP एक सरकारी अस्पताल है और मैं लोगों से कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लोगों के मन में सरकारी अस्पताल के लिए एक खराब छवि है, उनको ये लगता है सरकारी हॉस्पिटल में सफाई नहीं होती, यहाँ का जो स्टाफ है वो थोड़ा रूड बिहेव करता है, वहाँ पे कोई भी चीज़ बार बार मांगने पे भी अवेलेबल नहीं होती। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि ये जितनी भी बातें हैं या तो गलत है या भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ के स्टाफ का जो व्यवहार है वो इतना अच्छा है, मैं एक दो बार मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम पड़ा, मैं एडमिट होना पड़ा, तो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ का भी व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता। और जो ये बात है कि भाई यहाँ पे कोई भी सामान बिना मांगे नहीं मिलता, यहाँ के स्टाफ में मैंने देखा कि बार बार खुद आके सामान के लिए पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई आपको कमी तो नहीं लग रही, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ के खाने की जो क्वालिटी है, खाने की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। ताज ग्रुप से शायद सर्विस ली जा रही है जिससे खाने की क्वालिटी मतलब अच्छी है, और जो मैंने देखा राजधानी वगैरह में जो खाने की क्वालिटी होती है उससे ज़्यादा बेटर खाने की क्वालिटी मुझे यहाँ की लगी। उसके अलावा दवाइयाँ वगैरह सही समय पे दे रहे हैं, सही तरीके से समझाते हैं कि आपको कैसे कब क्या दवाई लेनी है। उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है, शुगर की है, कोई लूज मोशंस हैं, कोई BP है, तो उसके अलावा भी दवाइयों का पूरा ध्यान देने पर रखा जा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जो सरकारी अस्पताल की मेरे मन में भी एक खराब छवि थी, मैं किसी के लिए क्या कहूँ, तो वो छवि दूर दूर तक गलत साबित होती है। अब मेरा जो पहला एक्सपीरियंस इस LNJP हॉस्पिटल में रहा वो मतलब बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही अच्छा रहा। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी और जो भी सरकारी कर्मचारी इस पूरे काम में लगे हुए हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा।